अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना अमान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज जो हमारा वेडिंग सीरीज का जो सीरीज चल रही है, इसका जो फंक्शन है वो है मायों का फंक्शन है। और इसके लिए जो मेकअप मैंने किया बहुत ही लाइट सा, डिसेंट सा, बहुत ही ग्लोई सा मेकअप मैंने किया है इस मायों के फंक्शन के लिए। तो इसको कैसे अचीव किया है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स और किस तरीके से मैंने उसको अप्लाई किया है वो सब इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखना, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले मायों का मेकअप मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप था। उसकी छोटी सी क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड कर दी, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको वो मेकअप अच्छा लगे आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वो मेकअप भी आपको करके बता दूंगी मैंने किस तरीके से किया था। बट मुझे लग रहा था थोड़ा सा हैवी, तो मैंने वो स्किप कर दी वीडियो, मैंने सेकंड वीडियो बनाई। गाइज, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इस वीडियो सीरीज जो स्टार्ट की इससे पहले भी मैं बहुत मेहनत कर रही थी, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे अगर आप लाइक शेयर करोगे वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन फेस वॉश जो कि है जेल फॉर्म में, इसको मैंने अप्लाई किया। बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश है, इसका रिव्यू जो है वो वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, फुल्ली डिटेल वीडियो है। न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन जेल फेस वॉश को मैंने अप्लाई किया। देन इसके बाद पार्टी क्वीन का HD स्टूडियो प्राइमर मैंने अप्लाई किया जो कि फोटोजेनिक प्राइमर, इसको फेस पे अप्लाई किया जहाँ पे पोर्स हैं वहाँ पे अप्लाई करना है ताकि स्किन बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए और बेस जो हमारी अब अप्लाई होगी वो बिल्कुल पैची वगैरह ना हो, सही है। तो इसके बाद जो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है BB क्रीम फाउंडेशन, आप कह सकते हो ब्यूटीफाई बाय आमना का। और इसी के साथ मैं ग्लोई, क्योंकि मैं मेकअप करूँगी मायों का, तो मैं रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर जो कि है रोज़ गोल्ड कलर का, उसको मैं अप्लाई करूँगी। फ्यू ड्रॉप्स चीक्स के ऊपर अप्लाई करूँगी, फॉरहेड पे, उसके साथ ताकि इक्वली ब्लेंड हो जाए और फाउंडेशन जब मतलब बेस रेडी हो तो वो बहुत ही ग्लोई सी हो, ठीक। ज़्यादा मतलब हैवी मेकअप मैंने इसमें नहीं किया मायों का, नॉर्मल सा डिसेंट सा मेकअप किया है इस फाउंडेशन को। और इसी के साथ हाइलाइटर को जो भी है इसका रोज़ गोल्ड रेवोल्यूशन का, इसके मैंने फ्यू ड्रॉप्स लिए हैं इसको ब्लेंडिंग मतलब फाउंडेशन के साथ ही अप्लाई किया है। और इसको ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उससे ब्लेंड कर दिया है, अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि बेस बिल्कुल शाइनी सी ग्लोई सी बेस रेडी हो जाए। देन ब्लेंडिंग के बाद जो है मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद अच्छे से टैप टैप किया है और इक्वली टोन कर लिया। आप जो है फाउंडेशन अगर बीबी ब्यूटीफाई बाय आमना का है, अगर आपको और शेड्स चाहिए तो और शेड्स भी इनके अवेलेबल हैं, आप इंस्टाग्राम पे ब्यूटीफाई बाय आमना लिख के सर्च कर सकते हो, वहाँ पे इसके अलग शेड्स भी अवेलेबल हैं। बहुत ही लाइट फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्त है और कवरेज भी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि है मैक्स ब्यूटी का, जो कि मैं मदीना से मैंने लिया था, और ये वाला मैं अप्लाई कर रही हूँ इसका मैक्स ब्यूटी का। इसको ब्लेंडर के थ्रू मैं इसको अप्लाई करूँगी, हल्का सा टैप कर लूँगी और आंखों के नीचे जस्ट टैप करूँगी ताकि मैं शेड्स अप्लाई करूँ वो इस पर जो भी डस्ट वगैरह होगी तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी फैन ब्रश से। पैलेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो जैकलिन हिल की पैलेट है और मॉर्फी जैकलिन हिल की पैलेट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने येलो कलर, बहुत ही ब्राइट सा कलर है, बहुत ज़बरदस्त इसकी पिगमेंटेशन है, ये साइड पर शो हो रहा है, इस तरीके का येलो कलर मैंने पिक किया है और इसको पूरी क्रीज पे मतलब क्रीज लाइन से मैंने अप्लाई किया है और एजिस पे और इनर से पूरी क्रीज लाइन ड्रॉ कर दिए। मैंने इसका विंग क्रिएट नहीं किया, साइड से राउंड रहने दिया है, फ्लफी ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड किया है। अंडरनीथ ऑफ माय आईज मैं ऑरेंजी सा ये शेड अप्लाई कर रही हूँ, लाइट सा है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इसको अप्लाई किया है। एंड देन ये वाला शेड पिक करके इसको इनर साइड पर अप्लाई किया है और इसी को मैंने अपनी ब्रॉ बोन पर भी अप्लाई कर लिया था। अब आती है बारी सेंटर वाले आईलेट की, तो उसके लिए मैंने हुदा ब्यूटी का एक ग्लिटरी सा एक जो है ग्लिटर ले ली है, इसको सेंटर पार्ट पे इसको आईलेट पे अप्लाई किया है। और इसको अप्लाई करने के बाद ब्रश की मदद से इसको साइड के एजेस को ब्लेंड कर देना है, येलो पार्ट लेंगे ताकि इक्वली से स्मर्ज हो जाए और कहीं पे भी ये ना लगे कि ये अलग से प्रोमिनेंट हो रहा है। अब
आईब्रो देख सकते हो, मैंने आईब्रो ज़्यादा हैवी नहीं की, एक आईब्रो मैंने बना ली और सेकंड आप देख सकते हो किस तरीके से है, जस्ट मैंने फिलिंग की है। माइयों का मेकअप है, माइयों में ज़्यादा हैवी लुक नहीं करना, हल्का सा टच करना होता है क्योंकि स्टेप डे बाय डे हम स्टेप अप करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे, तो हल्का सा माइयों के लिए हल्का सा आईब्रोज को जस्ट टच करना है। ब्राउन कलर ले सकते हो, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा मैं ग्लोई मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने इसके लिए ब्लश ऑन जो लिया है वो लिक्विड ब्लश ऑन लिया है, जो कि है किस ब्यूटी का ब्लश ऑन, इसको मैंने चीक्स पे अप्लाई किया है। और साथ ही में मैंने लिया है ओदा ब्यूटी का मस्कारा जो कि है ग्रीन कलर का, बहुत ही फंकी, मुझे हल्का सा फंकी टोन चाहिए था। आप चाहो तो आप ब्लैक ही यूज़ करो, मुझे एक हल्का सा ज़रा डिफरेंट सा चाहिए था, तभी मैंने इसको ग्रीन कलर का मस्कारा यूज़ किया, क्योंकि ग्रीन मैंने इसमें और टच नहीं किया, दैट्स वाई मैंने ग्रीन मस्कारा यूज़ किया। कोई लाइनर वगैरह मैंने अप्लाई नहीं किया, जस्ट सिंपल सा मेकअप है। इसके बाद सेटिंग स्प्रे जो मैंने यूज़ किया, मिस रोज का यूज़ किया है, और मिस रोज की न्यूड आपने लेनी है मैट लिपस्टिक जो कि 2-in-1 पेंसिल फॉर्म में भी थी, तो उसके शेड्स भी अवेलेबल हैं। सो गाइज, ये था माइयों का मेकअप, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 लाइक और शेयर लाजमी करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो कल के दिन होगी। अपना ख्याल रखना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना और मुझे दुआ में भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।